क्योंकि हम लोग पूरा डिटेलिंग रिव्यू कर रहे हैं, तो उसके वजह से वीडियो जो है ना थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। हेलो नमस्कार, आप लोग कैसे हो? करता हूँ कि आप सब मेरी तरह बढ़िया होंगे। बढ़िया रहना। अभी फिलहाल मैं आया हूँ अथर का शोरूम में, अथर सिलीगुड़ी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कैसा है स्कूटी कैसा नहीं है। अभी यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अपना स्कूटी चार्ज होकर रेडी है, मैं लेके जाऊँगा। लेकिन इससे पहले हम लोग चलते हैं अंदर में और देखते हैं क्या क्या स्पेक्स वगैरह है, जानते हैं थोड़ा अंदर चल के। चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे है दिवस भैया और ये हम लोग गाइड करेंगे क्या क्या स्पेक्स वगैरह है स्कूटी के अंदर। व्हाट इज एथर? इज एथर जो एक ग्रीन बोर्ड, उसका नाम है क्लीन प्योर एंड फ्रेश। ओके, तो वो गाड़ी पे दिखता है सर। और इनका जो सीईओ फाउंडर है तरुण मेहता जी और स्वप्निल जैन, एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है। ईयर 2013 में ये स्टार्टअप हुआ था। तो गाड़ी पे आपको दिखता है, देखिए इसका जो डायनेमिक लुक है, फिनिशिंग देखिए, इसमें ज्यादा ब्रांडिंग नहीं किया हुआ, एक दो जगह किया हुआ जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, वो भी ग्रीन कलर में, इको फ्रेंडली बनाने के लिए। डेफिनेटली। तो ये एक्चुअली क्या है, तो ये हम लोग कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंट रहना चाहते हैं, तो इसीलिए हम लोग ये दिखा रहे हैं कि ये इसके अंदर क्या है। इसके अंदर क्या है? पूरा एल्युमिनियम फ्रेम दिया गया है। ओके, स्टॉक आपका स्टेनलेस स्टील में। और ये देखिए इसमें आगे पीछे दोनों, इसमें हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक दिया गया है, सीबीएस ब्रेकिंग, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, एंड प्लस रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है, जो यूजली बाकी गाड़ियों में जो एक मोशन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की तरफ से हीट एनर्जी होता है, तो यूजली आपका वेस्टेज हो जाता है। लेकिन इसमें रीजेनरेटेड होने के कारण से क्या होता है कि वो आपका बैटरी को चार्ज करता है सेम टाइम। मतलब आप कहना चाहते हैं अगर ब्रेक लगाओगे तो बैटरी भी थोड़ा बहुत चार्ज होगा, थोड़ा बहुत वो लेवल पे नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत होते रहेगा। ओके, इसका देखिए जो आपका जो बेल्ट ड्राइव है, ओके, ये आपका कार्बन फाइबर मटेरियल से बना हुआ है, विच इज यू नो वेरी प्रीमियम क्वालिटी इटसेल्फ, तो इसमें ज्यादा मेंटेनेंस नहीं लगता है। ओके, और ये जो हार्ली डेविडसन बाइकों में यूज, हां ये वही देखा, ये बहुत ही ड्यूरेबल है। ये इसका मोटर हो गया? हां जी, ये आपका मोटर हो गया, मोटर पीएसए मोटर है, परमानेंट सिंक्रोनस मोटर है ये। ओके, और इसका आईपी रेटिंग जो वाटरप्रूफ एंड डस्टप्रूफ है वो IP66 है। 66 है। और ये आपका बैटरी पैक इसमें है, ये एल्युमिनियम केसिंग दिया गया है, इसका अंदर लिथियम आयन बैटरी है और इसका आईपी रेटिंग है 67, व्हिच इज ऑलमोस्ट। और बैटरी में वारंटी कितना है? 3 इयर्स। आपका 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर, अनकंडीशनली प्रोटेक्टेड। ओके ओके, कुछ भी हो जाते विद इन 3 इयर्स तो कंपनी इसको रिप्लेस कर देती है। और ये चार्जिंग वगैरह को कुछ बताइए चार्जिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्जिंग 3 टाइप्स का है हम लोग के पास, एक हो गया एथर ग्रिड। एथर ग्रिड जो कमर्शियल पर्पस के लिए कमर्शियल फास्ट चार्जर होते हैं। ओके, आपका 10 मिनट्स से 15 किलोमीटर तक चार्ज होता है, तो गाड़ी को 0 से 100 फुल करने में ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। ओके, तो आप लोग जो कस्टमर को देंगे वो कौन सा देंगे? कस्टमर को जो है जो होम चार्जर है, जो एक हो गया पोर्टेबल, ओके, और एक हो गया डॉट इंस्टॉलेशन। ओके, ये आपका घर पे इंस्टॉल रहेगा। ओके, इंस्टॉल रहेगा और ये पोर्टेबल आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। नॉर्मल इसका 5 एम्पीयर 16 एम्पीयर का सॉकेट पे वो लग जाता है। ओके, और जो आपका चार्जिंग टाइम जो ड्यूरेशन होता है आपका 0 to 83 hours and 35 minutes और 0 to 100 आपका 5 hours 45 minutes। ओके, और आपका यूनिट कंजम्पशन कितना होता है इसमें, आपका यूनिट 2 to 3 units के बीच में, आप 2 to 3 units और कितना किलोमीटर जाएगा फुल्ली चार्ज होने का? चार्ज होने पे आप इको मोड पे 85 किलोमीटर, इको इज द ट्रू रेंज। तो 2 to 3 units आई थिंक सो कितना 20-25 rupees, 7 rupees का हिसाब से 21 rupees होता है। 21 rupees अगर हम 10 भी पकड़ते तो 30 rupees में आप मिनिमम इको मोड पे 85 किलोमीटर, तो 30 rupees लगाओ और 80 किलोमीटर चलाओ, ये सीन हो गया है। ओवरऑल अगर ओवरऑल सारे मोड भी अगर यूज, यहाँ पे देख लो सारे मोड, अभी हम लोग जो है ना सारे मोड ही चला के देखेंगे कैसा परफॉर्म करता है, और देखते हैं क्या रहता है, पंची रहता है नहीं रहता है वो। यहाँ पे एक वाटर मोड दिखा हुआ है, इस मोड में मुझे ट्राई करने का है कि ये मोड, ये मोड क्या है एक्चुअली, देखिए इसमें जो 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट तो यही है कि 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, तो पावर जबरदस्त मिलने वाला है, जो आपका 3.3 सेकंड में 40 का एक्सीलरेशन पकड़ लेता है। और इसमें आपका वॉक मोड में टॉप स्पीड रहता है 90 प्लस
90 प्लस और एक बैटरी वाले स्कूटी में, मतलब 90 प्लस अगर टॉप स्पीड है तो बेस्ट है। और तो हम लोग इसको अभी लेके चलते हैं रोड पे, हाईवे पे चलाते हैं, माउंटेन पे चलाते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये बाइक स्कूटी। अगर आप लोग लेने का सोच रहे हो तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताते रहूँगा, जुड़े रहे वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी मैं मिलता हूँ सीधा मोटर ब्लॉगिंग सेटअप में। सो गाइस, ये जो एथर स्कूटी है इसको मैं लेके आ गया हूँ इन वादियों में, इन माउंटेन में, और यहाँ पे इसका चलो अभी रिव्यू। भाई साहब, इतना दूर जो मैं लेके आया हूँ, अभी तक मैं 40 किलोमीटर इस स्कूटी को ड्राइव कर चुका हूँ और मुझे कहीं से भी कोई थकावट महसूस नहीं हुआ। चलाने में एकदम फन टू राइड है। अभी थोड़ा थोड़ा स्पेक्स वगैरह बता देते हैं आपको। जो रेयर है, रेयर में आपको MRF का टायर मिल जाता है जिसका साइज है 1990x12। पीछे में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, इसमें ABS नहीं है, सिंगल चैनल भी ABS नहीं है, बट दोनों में आपको डिस्क प्लेट मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिल जाता है, प्लस आपको CBS इसमें मिल जाता है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह मिल जाता है। पीछे और सामने का जो अलॉय व्हील है, इन दोनों का साइज सेम है, टायर का भी साइज सेम है। आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है पीछे में, और मोनोशॉक जो सस्पेंशन है, इस सस्पेंशन के वजह से ये जो स्कूटी है ना, साइड से भी देखने में बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। और यहाँ पे आपको एथर का ब्रांडिंग देखने मिल जाता है, एथर का शेप में, ए का शेप में आपको यहाँ पे LED टेल लाइट मिल जाता है। मैं इसको एक बार ऑन कर देता हूँ, पता है, यहाँ पे भी आपको एथर का ब्रांडिंग मिल जाता है। और इस साइड में इसका इंडिकेटर एक बार मैं जला के दिखाता हूँ। साउंड क्वालिटी में आपको राइड में भी बताया था कि इंडिकेटर का जो साउंड है ना, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा प्यारा आ रहा है। यहाँ पे आपका नंबर प्लेट आ जाएगा और इंडिकेटर भी देखो काफ़ी सही लग रहा है देखने में पीछे से। पीछे में मेरे को यहाँ पे फुट स्पेस जो है बहुत ज़्यादा सही है, और पिलियन के लिए भी यहाँ पे पाँव रखने के लिए अच्छा खासा जगह मिला हुआ है। अच्छे से डिज़ाइन करके बनाया हुआ है, जैसे फुटरेस्ट नहीं मिलके ये AC के साथ कनेक्टेड में है, बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। और मैं कलर जो लाया हूँ ना भाई, मिंट ग्रीन, बहुत ज़्यादा ही प्यारा कलर है। मतलब तीनों कलर में ना ये जो कलर है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट कलर मेरे को लगा, उसके वजह से मैं इसी कलर को लेके आया हूँ, क्योंकि देखने में भाई साहब मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एक बार बूट स्पेस दिखाता हूँ, बूट स्पेस यानी कि डिक्की इसका दिखा देता हूँ। इसका डिक्की बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे आपको फर्स्ट एड किट रखा हुआ है, और प्लस इतना बड़ा है कि इसमें फुल साइज हेलमेट चला जाएगा मेरा बड़े प्यार से। और यहाँ पे भी कुछ कुछ रखने के लिए जगह दिया हुआ है, जैसे फ़ोन वगैरह बहुत कुछ है, जगह दिया हुआ है। फिलहाल तो मैं इसमें अपना जो भी का ट्राइपॉड वगैरह, बैग वगैरह रखा हूँ। इसको बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद साउंड भी बहुत अच्छा आता है। इसको ऑन करता हूँ। सबसे पहले इसका मोड्स का बारे बात करूँ तो चार मोड है, इको, राइड, स्पोर्ट्स एंड वेब। तो ये चार मोड है, और ये वेब जो मोड है, अगर आपको एकदम टॉप स्पीड में चलाना है, आपको एकदम फन करना है, तो ये वेब मोड आपके लिए है। स्पोर्ट मोड में भी आप चला सकते हो, लेकिन वेब मोड में ना 26 जो न्यूटन मीटर का टॉर्क है वो फुल पावर में रहता है, और मैं इसको वेब मोड में चलाया हूँ, बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला मुझे। अभी फिलहाल मैं इको मोड में कर देता हूँ, और इको मोड में अभी ये 44 किलोमीटर चलने वाला है, 44 किलोमीटर चलेगा, देखते हैं। एस्टिमेट रेंज 44 किलोमीटर, 55% बैटरी जो है वो चार्ज है। मैं लगभग 40 किलोमीटर इसको चला चुका हूँ अभी तक। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे सेटिंग वगैरह, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, VIN नंबर वगैरह, जो भी आपको नंबर वगैरह मिलेगा अगर आप बाइक परचेस करते हो, तो ये नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सेटिंग में आपको ये जो थीम है ये लाइट भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ये देखो ये लाइट थीम हो गया, ये अभी मैं डार्क कर देता हूँ क्योंकि डार्क ही मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। और प्लस टच स्क्रीन है आपको, और ये देखो इसमें आप ब्राइटनेस को, जैसे हमने फ़ोन में करते हैं ना भाई ब्राइटनेस कम बेसी करना, तो यहाँ पे भी ये भी आप कर सकते हैं। इरोर, मतलब कि यहाँ पे इरोर का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इरोर मतलब कि अगर आपका स्कूटी में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे आपको इरोर आ जाएगा, इरोर बता दिया जाएगा कि ये आपको बाइक में या फिर ये आपको स्कूटी में ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगा, यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन है, आपको फ़ोन से आप अपना ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हो, और इसको कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ से सॉन्ग वगैरह, गाना वगैरह चेंज कर सकते हो, उसके बाद फ़ोन रिसीव कर सकते हो, काट सकते हो। और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपना मोबाइल के थ्रू, जो एस्टर का जो आपका एप्लीकेशन होगा उसके थ्रू आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपना अपलोड कर दो। अगर लाइसेंस वगैरह हो गया, कि जैसे कभी भी अगर चेकिंग वगैरह होता है तो आपको कॉपी वगैरह लेके जाना नहीं पड़ेगा, आप यहीं से शो कर सकते हो। और शटडाउन यहाँ पे रखा हुआ है, शटडाउन मतलब कि अगर जैसे कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, दो चार दिन के लिए अगर कहीं आप बाहर जा रहे हो, तो आपको स्कूटी जो रहेगा वो बंद रखना है, तो आप इसको शटडाउन कर दो। शटडाउन करने से क्या होगा ना, आपका बैटरी कम से कम आपका यूज़ होगा। चार पाँच दिन के लिए जा रहा, तो मैं तो यही बोलूँगा शटडाउन करके जाओ। ये मैप हो गया, अगर आपको कहीं पे भी जाना है, जैसे हम लोग इसमें तो मोबाइल का होल्डिंग वगैरह आप चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन लगाना क्यों भाई, कंपनी खुद ही आपको यहाँ पे मैप वगैरह दे रही है। यहाँ पे इंटरनेट नेट से कनेक्ट करके, इंटरनेट से कनेक्ट करके, आपको फ़ोन से कनेक्ट करके आप यहाँ पे मैप लगा सकते हो, आराम से आप देख के जाओ भाई, कोई मोबाइल नहीं कुछ नहीं, मैप लगाओ और चलते बनो भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है। ये टच स्क्रीन मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगा भाई, टच स्क्रीन, टच का रिस्पॉन्स भी सही है। अभी मैं गाड़ी को ऑन कर दिया हूँ, ऑन करने के बाद अगर आपको पार्क करना है या फिर पीछे लेना है, रियर गियर लगाना है, इसको बस पीछे करो रिवर्स, और इसका टॉप स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर का है, ये देखो। अगर इसको कैंसिल करना है तो बस इसको इधर दबा दो,
काफ़ी सही। और मैं एक चीज़ बहुत देर से आपको बता भी रहा हूँ कि जैसे मैं एक्सलेटर कर रहा हूँ, यहाँ से जो ग्रीन लाइन ऐसे निकल के जा रहा है ना, ये देखो ये जो लाइन है ना निकल के जैसे जा रहा है, ये काफ़ी अमेजिंग लग रहा है देखने में। एक फील गुड अच्छा लग रहा है, मतलब देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक बार मैं इसका स्टैंड लगा देता हूँ, और ये स्टैंड अगर डाउन रहेगा तो ना गाड़ी स्टार्ट होगा ना कुछ होगा। पहले बता देता हूँ, जैसे बड़े बड़े बाइकों में आता है एलईडी हेडलाइट लगा हुआ है, यहाँ पे डीआरएल लगा हुआ है, एलईडी लगा हुआ है, मतलब एक नंबर स्कूटी मेरे को लगे। तो सामने का लुक आप बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में कि सामने का लुक जो है वो आपको कैसा लग रहा है, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं अगर आपके जगह रहूं, अगर मुझे एक स्कूटी देखना है और कभी कभार फन टू राइड करना है, तो मैं ये स्कूटी को कंसीडर करूंगा। मोनोशॉक सस्पेंशन भी अच्छा रिस्पांस दिया, सामने का सस्पेंशन भी अच्छा रिस्पांस दिया, सीटिंग पोस्चर भी बहुत ज़्यादा सही है। एथर का ब्रांडिंग हर जगह आपको नहीं देखने मिलता, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा दिया हुआ है, यहाँ पे एक एथर का ब्रांडिंग दिया, दो जगह है एथर का ब्रांडिंग। और हैंडल बार जो है इसमें भी थोड़ा सा दिया हुआ है, मतलब इनविजिबल है, उतना अगर ध्यान से देखोगे तभी दिखेगा। और जो इसका जो डिज़ाइन जो है ना, ये इसका जो डिज़ाइन एकदम मस्त डिज़ाइन है, डिज़ाइन जो है ना काफ़ी सही लग रहा है। आप बताओ मेरे को, तो यहाँ से भी देखने में काफ़ी सही लग रहा है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। एक चीज़ सबसे अच्छा है इस बात में है कि चार मोड है, और चार मोड का फ़ायदा जो है ना वो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। अभी मैं आपको ये चार मोड का फ़ायदा दिखाता हूँ। ये मोड आपको कब काम आएगा, जब आप ओवरटेक वगैरह कर रहे हो तब आपको मोड जो है ना बहुत अच्छे से काम आएगा। अभी देखो रास्ता खाली है, मेरे को सिर्फ ये करना है कि एक्सलेटर छोड़ना है और इसको इधर प्रेस करना है। अभी देखो पावर बढ़ गया। अगर मुझे कहीं से भी किसी को ओवरटेक वगैरह करना है, अगर ये इनसफिशेंट पावर लग रहा है कि हाँ लग रहा है कि मुझे ये गाड़ी में पावर कम है, तो मैं इसका मोड चेंज कर सकता हूँ और इसका पावर जो है वो जनरेट कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। तो ये मुझे ये जो फीचर जो है ना ये बहुत ज़्यादा सही लगा। ओके, ऑफ रोडिंग में भी बहुत अच्छा साथ दिया अभी इस गाड़ी ने, आप लोग देख ही रहे हो मैं किधर से चला रहा हूँ। मतलब ये ना एक तरह से ना अपने रोडों के लिए बना हुआ है, गड्ढे वड्ढे से बड़े आराम से ये गाड़ी निकल जा रही है। अभी मुझे इसे ओवरटेक करना था तो मैंने अपना मोड चेंज किया, पावर बढ़ाया और आगे निकल गया। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर मुझे लगा। अभी देखो गाइस, अभी मैं इसको इको मोड में चला रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसका पावर कम हो गया, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि रोड एकदम ज़्यादा खाली है। अभी फिर भी मैं 54 किलोमीटर पर आवर चला रहा हूँ। अगर मुझे इसका स्पोर्ट मोड ऑन करना है, जैसे अगर मुझे इससे और ज़्यादा पावर चाहिए, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस एक्सेलेरेटर को छोड़ना है और इसको दबा देना है, ये वाला जो बटन है इसको राइट साइड में प्रेस करना है। अगर मुझे कम करना है तो लेफ्ट साइड में प्रेस करना है। तो अभी जैसे मैं दिखाता हूँ, अभी थोड़ा सा खाली हो जाए तब मैं अच्छे से दिखा पाऊँगा। जैसे मैं एक्सेलेरेटर दे रहा हूँ उसी तरफ से ये गेज भी बढ़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब प्रैक्टिकली बोलूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर मैं ओवरटेक करूँ, देखो कम किया पावर दे दिया, ले ओ भाई साहब जबरदस्त भाई साहब, मज़ा आ गया। भैया बता रहे हैं कि 90 किलोमीटर पर आवर जाती है टॉप स्पीड इसका, लेकिन अभी हम लोग चेक करते हैं कितना जाती है। वैसे मैं ऊंचाई पे चला रहा हूं, पहले बता दे रहा हूं हम लोग चला रहे हैं ऊंचाई पे, अगर आने का टाइम में मैं चेक करूंगा तो और ज्यादा स्पीड मिलेगा, मैं आने का टाइम में भी आपको बता ही दूंगा। फिलहाल 90 किलोमीटर पर आवर तो आ ही गया। यहाँ पे अभी मैं थोड़ा देर के लिए पार्क के लिए रखा था, पार्किंग था, थोड़ा कुछ खाने पीने गया था, और बाकी सभी लोग तो स्कूटीज वगैरह देख रहे हैं, ये भी भैया लोग देख रहे थे। हेलो कर दीजिए आप लोग, कैसा लगा गाड़ी? बैटरी वाला है, मस्त गाड़ी है, चलाने में भी मज़ा आया, पेट्रोल का झंझट खत्म। तो ये लोग वही गाड़ी वगैरह देख रहे थे, बता रहे थे गाड़ी सही है, पूछ रहे थे, इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहा था मैं, जैसे आप लोगों को देता हूँ। वैसे अभी फिलहाल चलता हूँ मैं डायरेक्ट सिलीगुड़ी, और इसका टॉप स्पीड एक बार चेक करना है। 90 किलोमीटर पर आवर तो चला ही लिया हूँ, लेकिन एक बार और चेक करना है कि और कितना उठ सकता है। चलो निकलता हूँ। देखो नेक्स्ट अभी फ्यूचर इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल, फ्यूचर ही है, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस जो रेंज में बढ़ रहा है भाई, और जो अभी दाम है, चल मान लो बढ़ नहीं भी रहा है, लेकिन 105-107 रुपए जो लीटर का प्राइस है, उस हिसाब से देखा जाए, अगर आपको सिटी में चलाना है, कभी कभार फन टू राइड करना है, उसके लिए मेरे ख्याल से, एज़ फॉर माई ओपिनियन, भाई स्कूटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं ये एक चीज़ नोटिस किया हूँ, मैं सिलीगुड़ी से यहाँ तक लेके आया हूँ, और जहाँ लोग इसको अगर एक बार देख रहे हैं ना, तो भाई देखते ही जा रहे हैं, मतलब इम्प्रेशन जो है ना काफ़ी सही मिल रहा है मेरे को, और लग रहा है कुछ चला रहा हूँ कि लोग देख रहे हैं, भाई मज़ा आ रहा है देखने में। तो मतलब ये एक अच्छा फील गुड मैटर है, समझ सकते हो, बहुत दिल को अच्छा लगता है कि हाँ भाई चीज़ ऐसा लिया हूँ कि लोग भी देख रहे हैं और उनको भी अच्छा लग रहा है। और सिलीगुड़ी से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, वो फन टू राइड के लिए माउंटेन वगैरह सुखना वगैरह हो गया, ये सब जगह जाने का ज़्यादा सोचते हैं, तो भाई ये देख लो मैं रॉन्ग टर्न बड़ी आराम से लेके आया हूँ, और कहीं से भी मेरे को पावर का कहीं कमी नहीं लगा, और इसका मोड में अगर चलाने लगूँ तो भाई सब अमेजिंग मज़ा आ जाएगा। मैं इतना तारीफ कर रहा हूँ तो समझ लो भाई, ये बोलने के लिए मुझे पैसे नहीं मिले हैं, पहले बता दे रहा हूँ, ये बोलने के लिए मुझे कोई पैसा नहीं मिला है, लेकिन जो सच है वो तो सच है,
भाई जो मजा आएगा वो तो मजा आएगा ही, वो तो मैं बोलूंगा ही। सो गाइस मैं तो आ गया इस स्कूटी को चला के, और ये चलाने का रिस्पांस भाई मैं 10 out of 10 देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा फील हुआ इस गाड़ी को चलाने में। कहीं से भी नहीं लगा कि मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहा हूँ, ऐसा लगा कि कोई पेट्रोल वाला ही गाड़ी में, पेट्रोल वाले स्कूटी में चला रहा हूँ, इतना ज़्यादा मेरे को अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला। और इसका जो वेप मोड है वो तो भाई कमाल का है, कमाल का है। हाँ तो अगर आप कोई स्कूटी ढूंढ रहे हो इलेक्ट्रिक में, ठीक है, इलेक्ट्रिक में अगर आप कोई स्कूटी वगैरह ढूंढ रहे हो और आपको लोकल में चलाना है, और कभी कभार अगर ऐसे माउंटेन में भी चलाना है लोकल में ही, मतलब लगभग 20-25-30 किलोमीटर के आसपास में माउंटेन में चलाना है, जैसे मेरा सिलीगुड़ी से रॉन्ग टर्न, ये ज़्यादा किलोमीटर नहीं है, लेकिन मेरे को चलाने में जो रिस्पांस मिला, जो माउंटेन के ऊपर इसका पिक मिला वो काफ़ी अमेजिंग था। जो भी इसका एक्सोरियम प्राइस है वो मैं यहाँ पे आपको ऑन द स्क्रीन लिखा हुआ दिख रहा है, आप इसको देख सकते हो, टेस्ट राइड भी ले सकते हो। अथर सिलीगुड़ी अपोजिट विशाल सिनेमा हॉल, विशाल सिनेमा हॉल के जस्ट अपोजिट में है, और आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में मेरा मिल जाएगा, और कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं हमारे किसी नए वीडियो में। टिल देन राइट सेफ, दिस इज वीवी व्लॉग साइनिंग ऑफ, जय हिंद जय भारत, और मेरे को इंस्टाग्राम में प्लीज फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाटा बाय बाय।